हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मिशन मैथमेटिक्स में। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी का एक्सरसाइज नंबर 3.1 क्वेश्चन नंबर 6। मैंने पिछली वीडियो में अलग अलग सेपरेट वीडियो बनाई है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ की अलग अलग वीडियो बनाई है। तो मेरे चैनल पे जाकर के हर एक वीडियो को आप लोग वॉच कर सकते हो। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। तो ये अपने पास पहला है 4x 3 5, ये इज इक्वल टू y 1 z और ये फिफ्थ है। तो यहां से x और ये y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अब यहां से सिंपली कंपेयर कर देंगे, तो ये x है, तो ये यहां ये क्वेश्चन, ये सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम का ये एलिमेंट है। तो अब यहां देखेंगे सेकेंड रो फर्स्ट, ये सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम का ये एलिमेंट 1 है। तो ये अपना x इक्वल टू 1 हो जाएगा। और फिर अब y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो y इज इक्वल टू लिखेंगे, तो y का पोजीशन कहां, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। यहां देखेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट कौन सा है, ये 4 हो गया। तो यही अपना आंसर हो गया। और z की वैल्यू देखनी है, तो ये z की वैल्यू फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट इसमें देखेंगे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट z इक्वल टू ये 3 हो गया। अब ये क्वेश्चन नंबर ये 6 का ही सेकंड पार्ट है, इसमें बोल रहा है ये x + y 5 + z 2 xy = 6 2 5 8, ये दिया हुआ है। इसमें से अब एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो यहां से x प्लस वाई ये इक्वेशन पहले राइट डाउन करेंगे। तो यहां देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट क्या है, 6 है। अब ये एक्स वाई यहां से क्या करेंगे, यहां से ये एक्स वाई इज इक्वल टू का ये फर्स्ट सेकेंड रो फर्स्ट सेकेंड कॉलम, इसमें क्या है एलिमेंट, सेकेंड रो सेकेंड सेकेंड कॉलम का एलिमेंट 8 है। तो ये 8 हो गया। तो अब यहां से एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो ये कितना होगा 8 / y होगा। तो अब ये वाली वैल्यू को यहां पे पुट कर देंगे, तो ये 8 / y + y = 6 होगा। तो अब यहां से 8 + y² = 6y होगा। अब इसको हम लोग y² - 6y + 8 = 0, ये अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे, तो अब यहां पे यही ये नियम लगाएंगे, पहला गुने तीसरा जोड़ घटा के दूसरा। ये नियम को क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए इस नियम को हम लोग को याद रखना पड़ेगा। तो यहां इसका पहला एलिमेंट क्या है, वाई में कुछ नहीं है, तो ये मतलब 1 मल्टीप्लाई है, तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, तो ये अपना 8 आ गया। अब 8 को इस तरीके से जोड़ेंगे या इसको इस तरीके से घटाएंगे कि अपना 6 आने चाहिए। तो अब यहां पे देखो 2 × 4, तो ये देखो 2 को मल्टीप्लाई किया 4 से, तो ये अपना 8 आ गया। लेकिन अब इस दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा, 6 आएगा। तो अब यहां से ये 2 + 4, तो ये प्लस यहां से क्या आ गया, प्लस 6 आया। लेकिन अपने को क्या लाना है, -6 लाना है। तो अब यहां भी माइनस कर देंगे और फिर यहां भी माइनस कर देंगे, तो इसको इस तरीके से लिखेंगे y² - 2y - 4y + 8 = 0। अब देखो -2 को मल्टीप्लाई करेंगे -4 से, तो ये 8 अपना, ये प्लस 8 भी आ गया और -6 भी आ गया। इस इक्वेशन को हम लोग इस वे में तोड़ सकते हैं। तो अब यहां से y कॉमन करेंगे, तो ये y -2 हो गया, और फिर यहां से माइनस
फोर कॉमन करेंगे तो यहां से y माइनस ये भी 2 हो गया और इज इक्वल टू 0 हो गया। तो यहां से y माइनस 2 और फिर ये y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहां से अपने पास y की वैल्यू क्या आएगी, दो वैल्यू आएगी y की, ये 2 और 4। अब यहां से x की भी वैल्यू 2 आएगी। अब कैसे, पहले एक बार 2 पुट करेंगे, फिर ये एक बार ये 4 पुट करेंगे। तो जब x की वैल्यू, अब ये x की वैल्यू क्या आ गया, 2 भी आ गया, 4 भी आ गया, फिर ये सॉरी y की वैल्यू 2 आ गया, 4 आ गया। अब x की वैल्यू भी यहां पे जब 2 पुट करेंगे और 2 y की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो अपना x की वैल्यू 4 आएगी, और जब x y की वैल्यू 4 पुट करेंगे तो x की वैल्यू ये 2 आएगी। अब z की वैल्यू निकालनी है तो यहां देखो ये 5 + z ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। तो अब ये 5 + z इज इक्वल टू ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये 5 इज इक्वल टू 5 हो गया, ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो ये अपना z इक्वल टू 0, ये अपना आंसर आ गया। ठीक है, ये अपना आंसर हो गया। अब इसी का तीसरा पार्ट है, यहां दिया हुआ है x प्लस वाई प्लस जेड, फिर ये x प्लस जेड वाई प्लस जेड इज इक्वल टू ये 9, 5, 7 ये वैल्यू दिए हुए हैं। अब यहां से देखो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है, और फिर ये x प्लस जेड इक्वल टू कितना दिया हुआ है, ये 5 दिया हुआ है, और फिर ये y प्लस जेड इज इक्वल टू 7 दिया हुआ है। तो अब यहां पे क्या करेंगे, ये जो है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9 है, तो अब यहां से x और z की जगह पे हम लोग 5 पुट कर देंगे। तो यहां x और ये z है, तो यहां पे 5 पुट करेंगे, 5 + y इज इक्वल टू कितना है, ये अपना 9 है, तो y इक्वल टू क्या हो गया, ये 4 हो गया, y इक्वल टू 4 हो गया। तो अब यहां से हम z की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो z इज इक्वल टू y की जगह पे 4 रखेंगे और 4 को इस साइड करेंगे तो ये z इक्वल टू 3 आ गया। अब ये y और z की वैल्यू आ गए, यहां से आप x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहां से ये y और z की वैल्यू रखेंगे तो 7 और ये 9 में से 7 जाएगा तो ये 2 हो गया, तो अपना x की वैल्यू 2 आ गई और y की वैल्यू 4, z की वैल्यू 3, तो ये अपना आंसर हो गया। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि मेरे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक इजीली मिलती रहे। धन्यवाद।